हाँ बेटा, पढ़ाई पर ध्यान करही, कल खाते पर पैसा चला जाएगा। कॉलेज के फीस जमा कर दिया बेटा, हम रखाई हो। पागल हो जी? हाँ। की कर रहे हो? कॉलेज फीस मांग रहे हो? हाँ ठीक है, कल भेज देंगे। दिन प्रतिदिन घर का खर्चा बढ़ता है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कुछ न कुछ जुगाड़ करो ना। ठीक है, देखबी। हम किलिए ना क्या था? लाओ तलिया लाओ नहीं सर। हाँ दे रही है। के लिए है तो तुरंत अभी नहीं संभाल अभी कहाँ पर? थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहे हैं जी, क्या बात है? हाँ थोड़ा सा परेशान है ये। की हो तोरा दिक्कत? इस बार कोई बात के दिक्कत हो तो बोल, मदद हम कर सके हो। हाँ खर्चा घर के कारण थोड़ा परेशान है। घर का खर्चा में आपको क्या परेशानी हो रहा है? बेटा को पढ़े लगी भेजाइए दलियो, खर्च बढ़े गलो, हमारा समझ में आवा को कि हम कहाँ से खर्चा की करियो। खेती तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास में जमीन कम है, तो आड़े से कोई खास कमाई तो होता नहीं। हाँ तो तुम परेशान क्यों है? इसका भी तो समाधान हो सकता है। तू चाहे तो तार का पेड़ से भी अच्छा कमाई कर सकता है। ताड़ी तो बेचिए रहा हूँ, तार के पेड़ से अच्छा कमाई कहाँ हो रहा है? हाँ मैं ताड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ ईश्वर, मैं नीरा की बात कर रहा हूँ। नीरा से भी बहुत अच्छा कमाई तुम कर सकता है। नीरा वो क्या होता है? नीरा तार के पेड़ से ही तो निकलता है, फलदार वृक्ष से भी निकलता है और बलरी वाला पेड़ से भी निकलता है। हाँ सर श्याम सुंदर भैया ठीक है कह रहे हैं, अच्छा खासा कमाई तो नीरा में हो ही सकता है। नीरा से अच्छा खासा कमाई हो सकता है, इसमें नीरा भी तुम बेच लेगा, इससे पेड़ा भी बना लेके बेच सकता है, इसमें गुड़ भी बना करके बेच सकता है, साथ साथ इससे रसगुल्ला भी तैयार किया जा सकता है, उसको भी बना करके बेचेगा तो तुमको बहुत तरह के इनकम हो सकता है और इस इनकम से बहाने से तुम्हारा समस्या को समाधान हो सकता है। ये सब तो ठीक है भैया, मगर नीरा बनाए कैसे? एकदम सही सवाल पूछा है तुमने ईश्वर, नीरा कैसे बनाया जाता है तो मैं बताता हूँ नीरा कैसे बनाया जाता है। नीरा बनाने का एक तरीका होता है, शाम को बर्तन में चूना लपेट करके सूर्य अस्त होने से पहले उसको पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है और सुबह सूर्योदय से पहले उसको उतार लिया जाता है, वह नीरा कहलाता है। चलिए इस बार आज आपको हम नीरा बनाने के लिए सिखाते हैं। ये सब सामान कहाँ लिए श्याम सुंदर भैया? नीरा पेड़ से इकट्ठा करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले मिट्टी का बना हुआ एक लमनी चाहिए, खाने वाला मरा हुआ चूना लमनी में लगाने के लिए चूने का लेपने के लिए किसी प्रकार के जाली या ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। चूने मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी और बर्तन का जरूरत होता है। देखिए ईश्वर, बर्तन में लेप करने के लिए सबसे पहले चूना का घोल बनाना होगा। श्याम सुंदर भैया की एक लमनी में लगाने के लिए कितना चूना चाहिए? एक लमनी में लेप करने के लिए लगभग 5 ग्राम चूना चाहिए। देखिए इस बार अब हम लमनी में चूने का लेप हम लगा रहे हैं। अच्छा भैया, लमनी में चूना क्यों लगाया जाता है? चूना को हम इसलिए लगाते हैं, यह जीवाणु उत्पन्न से रोकता है और नीरा से ताड़ी बनने का किण्वन विधि को बचाता है। देखिए इस बार अब हम इस बर्तन में चूना लगा दिए हैं और इसको सूर्य अस्त होने से पहले इसको हम लगा देंगे पेड़ में और सुबह सूर्य उगने से पहले इसको हम पेड़ से उतार लेंगे और जो उसमें रस होगा वही नीरा। देखिए अभी इस समय धूप है, धूप रहने के कारण इसको हम नहीं लगाएंगे, शाम होने पर इसको पेड़ में लगा देंगे और सुबह
उसको सूर्योदय से पहले निकासेंगे, उतारेंगे, और उतारने के बाद उसकी बाद हम फिर बताएंगे। ठीक है भैया। नीरा सूर्योदय से पहले हमने उतरवा लिया। अच्छा समझना भैया, सूर्योदय होने से पहले क्यों निकाला गया? सूर्योदय होने के बाद भी तो निकाल सकते हैं। सूर्योदय से पहले नीरा को हम इसलिए उतारते हैं, जैसे जैसे सूर्य का किरण नीरा में लगता है वैसे वैसे उसमें जीवाणु उत्पन्न होता जाता है। जब जीवाणु उसमें उत्पन्न होता है तो नीरा से रूप बदल करके ताई ले लेता है। हमें तो चूना लगाया था जीवाणु को रोकने के लिए। जब गर्मी बढ़ता जाता है तो चूना के प्रभाव का असर घटता जाता है, और जब असर चूना का प्रभाव घटता जाता है तो नीरा से ताड़ी का रूप बढ़ता जाता है। नीरा को उतार कर जितना जल्द हो ठंडा स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा क्यों भैया? इसलिए ठंडे स्थान पर रखते हैं कि उसमें जीवाणु उत्पन्न होने से उसे रोकता है। देखिए भैया, ये नीरा है, नीरा से हम क्या क्या चीज बनाएंगे इसके बारे में हमें बताता हूँ। देखिए भैया, मैं नीरा फ्लेवर बोतल पैकिंग करने के लिए सिखाता हूँ। नीरा बोतल पैकिंग करते वक्त क्या क्या सामग्री की जरूरत होता है उसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये शुद्ध नीरा है। नीरा को पैक करने के लिए एक साफ बोतल, नीरा को चेक करने के लिए पीएच इंडिकेटर, ये रिफ्रेक्टो मीटर मशीन है। इस मशीन से नीरा में कितना ब्रिक्स पाया जाता है उसको हम जांच करते हैं। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या होता है? ये मशीन हमें नीरा में कितना तत्व है उसको बताता है। ये लीची फ्लेवर है, ये बीकर है, ये ड्रोपर है, ये है साइट्रिक एसिड, ये है सोडियम बेंजोएट। सबसे पहले भैया नीरा को छानते हैं। देखिए भैया, नीरा को छानने के बाद इसको हम दो टेस्ट करते हैं। पहला ब्रिस नापते हैं और दूसरा पीएच नापते हैं। तो अभी हम इसका ब्रिस नापते हैं। सबसे पहले भैया एक बूंद नीरा को ब्रिस नापने वाला मशीन पर डालते हैं, उसके बाद इसको ढकते हैं। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, ब्रिस चेक करते हैं। इसमें 15 ब्रिक्ष दिखाई दे रहा है। अब हम नीरा में कितना पीएच है इसको टेस्ट करेंगे। भैया ये दूसरा टेस्ट है। हाँ, ये दूसरा टेस्ट है। ये नीरा नापने वाला पीएच इंडिकेटर है, इसमें से एक निकाल लेते हैं।
और निकालने के बाद नीरा में डालते हैं। डालने के बाद इसका रंग बदलता है। देखिए भैया, ये 7 नंबर कलर के नीचे मैच कर रहा है, इसका ममतलब इसका पीएच 7 है। देखिए भैया, अब हम नीरा फ्लेवर बनाने का विधि बताएंगे। नीरा फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम नीरा को छान लेते हैं। छानने के बाद उसको हम खौला लेते हैं गर्म करके। देखिए भैया, यह नीरा को हम गर्म कर रहे हैं। अच्छा भैया, ये गर्म का है, किस लिए कर रहे हैं? जीवाणु को मारने के लिए ही हम गर्म करते हैं। देखिए भैया, ये अब गर्म हो गया है। अब हम नीरा को गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको छानते हैं। गर्म करने के बाद दूसरा बार हम फिर छान लेते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट न रहे। ये लीची फ्लेवर है। इसमें नीरा फ्लेवर में बनाने के लिए इसमें हम 1 लीटर नीरा में 10 से 12 बूंद तक डालते हैं। ये हमारा 0.5 लीटर नीरा है, इसमें 5 से 6 बूंद हम लीची फ्लेवर डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं। इसमें हम ड्रॉपर से लीची फ्लेवर ले लिया। अब इसमें 0.5 लीटर नीरा है, 0.5 लीटर नीरा में 5 से 6 बूंद लीची फ्लेवर डालना है, तो देखिए डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ये हो गया। देखिए भैया, अब हम इसको मिलाएंगे। देखिए भैया, ये अब लीची फ्लेवर नीरा हो गया। अब हम बोतल पैकिंग करेंगे। ये लीची फ्लेवर बोतल पैकिंग है। इसी तरह से बोतल में पैक करके, अलग अलग फ्लेवर बना करके और बोतल पैक करके बाजार में भेजने बेचोगे तो तुम्हें अच्छा खासा इनकम होगा। अच्छा भैया, ये लीची फ्लेवर जो बनाए हैं उसको हम कितना दिन तक के रख सकते हैं? अगर हम फ्रिज में इसको रखते हैं तो 2 से 3 दिन तक आराम से हम पी सकते हैं। अगर हम 2 से 3 महीना तक रखना चाहते हैं तो इसमें प्रीबायोटिक डाल करके 2 से 3 महीना तक हम रख सकते हैं। ये साइट्रिक एसिड है, ये सोडियम बेंजोएट है। साइट्रिक एसिड 1 लीटर में 2 ग्राम मिलाना पड़ता है। और हमारा 0.5 लीटर है तो लगभग 0.5 चम्मच आएगा, 1 ग्राम आएगा। तो ये 0.5 लीटर है तो हम लोग इस चम्मच से, 0.5 चम्मच से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, तो लगभग 1 ग्राम हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हमारा सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट नीरा में मिलाने के लिए 100 मिलीग्राम मिलाया जाता है। 1 लीटर नीरा में 100 मिलीग्राम मिलाया जाता है। इसको हमारे पास 0.5 लीटर है और 0.5 लीटर में हम 50 मिलीग्राम मिलाएंगे। इसमें नीरा में मिला देना। मिलने के बाद अब हम बोतल में पैक करके लगभग 2 से 3 महीना तक रख सकते हैं और इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। अच्छा भैया, ये तो पीने वाला था, इसके अलावा क्या क्या नीरा से बना सकते हैं भैया? नीरा एक पेय पदार्थ, इससे हम कई प्रकार के सामान बना सकते हैं और बाजार में जाकर बेच सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ा, गुड़, ताल मिश्री, चीनी इत्यादि बना सकते हैं। पेड़ा और गुड़ कैसे बनाते हैं? नीरा पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध का खोआ तैयार करते हैं और नीरा का चाशनी तैयार करते हैं। दूध
मान लेते हैं कि 3 लीटर हम दिया तो नीरा उसमें 1.5 लीटर देते हैं और 1.5 लीटर का चाशनी करते हैं, 3 लीटर का दूध का खोआ तैयार करते हैं। दोनों मिक्स करने के बाद, दोनों तैयार हो जाने के बाद दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा इलायची 2-4 डाल देते हैं और उसको मिक्स करके सुखाते जाते हैं। सूख जाने के बाद जब कड़ा सा हो जाता है तो हम गोल गोल पेड़ा के आकार के बनाते हैं और 2-3 घंटा सुखाने के बाद हम पेड़ा तैयार देखते हैं। नीरा को इसी तरह सुखाना है और सुखाते सुखाते ये गुड़ बन करके तैयार हो जाएगा। वाह भैया, आप तो अच्छा जानकारी दिए। मैं भी इसी तरह बाजार में बना के बेचूंगी। ठीक है भैया, हम निकलते हैं। नमस्ते।